दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज आप देख रहे हैं द ऑल न्यू स्विफ्ट 2024। और ये है इस गाड़ी का VXI वेरिएंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, VXI वेरिएंट में आपको यहाँ पर क्या नाम है, हेडलैम्प यूनिट के अंदर आपको ये प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा, ये क्रोम की स्ट्रिप, नीचे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। रिम्स जो है वो आपको ब्लैक आउट मिल जाएंगे इस VXI वेरिएंट में। जो LXI में यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है आपको, VXI वेरिएंट में आपको ORVMs पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। और एक बहुत ही मस्त चीज़ आपको बताने वाला हूँ गाइस, कि आपको VXI वेरिएंट से यहाँ पर कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे दिया गया है। पुश बटन स्टार्ट के लिए यहाँ पर पुश बटन की प्लेसमेंट है, और आपको टच म्यूजिक सिस्टम भी कम्प्लीटेड दे दिया है मारुति ने। और नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा। ऐसा कुछ इस गाड़ी का डैशबोर्ड कंसोल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका मीटर कंसोल है। बात करें इसके रियर प्रोफाइल की, रियर सीट्स की, एक सेकेंड। तो ऐसा इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल है, रियर लुक। रियर सीट्स आपको इस तरह की देखने को मिल जाएगी। ये आपको सारे पीछे से आपको ये डैशबोर्ड का पूरा लुक, सारे कंट्रोल मिलते हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है। और इसमें आपको स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाएंगे, मीडिया कंट्रोल, बट आपको कोई क्रूज कंट्रोल का ऑफर नहीं होगा इसमें। बात करूँ इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल आपको सेम एज LXI वेरिएंट की तरह ही मिलेगा। ये आपको ब्रेक लैंप हो गई है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप हो गई है, कोई भी शार्क फिन एंटी नहीं मिलेगा आपको इसमें। और यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स ऑफर करी जाती हैं। तो कैसा लगा आपको ये स्विफ्ट VXI वेरिएंट की ये वीडियो? तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।